शिवराज ने योगी से की मुलाकात। उधर मामा को केंद्रीय मंत्री बनाने की होने लगी बात। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सृष्टि श्रीवास्तव। मध्य प्रदेश के मामा शिवराज के राजनीतिक करियर को लेकर सस्पेंस बना हुआ है। मोदी ने सीएम पद से तो हटा दिया, लेकिन अब क्या, शिवराज यूं ही तो भटकते नहीं रहेंगे। खैर, ये तो आने वाले वक्त में पता चलेगा, लेकिन अभी शिवराज जगह जगह जा रहे हैं, जनता से मिल रहे हैं, और इसी सिलसिले में अब उन्होंने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात की है। चलिए आपको भी बताते हैं पूरी खबर के बारे में। दरअसल मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान इन दिनों खूब चर्चा में है। अपना एहसास वो हर किसी को करवा रही है। इसी बीच वो देर रात लखनऊ में योगी आदित्यनाथ से मिलने पहुंचे, जिसकी तस्वीरें शिवराज ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट की है और लिखा है, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी से कल देर रात लखनऊ में सौजन्य भेंट कर जन कल्याण के विविध विषयों पर सार्थक चर्चा की। अब ऐसे तो इन दोनों की मुलाकात एक सौजन्य भेंट बताई गई है, लेकिन राजनीतिक गलियारों में चर्चा तेज तो है। अब इस मुलाकात पर जनता भी चुटकी ले रही है। द्विवेदी नाम के एक यूजर ने मजे लेते हुए लिखा है, मामा जी क्या लगता है आपको सेंटर में कौन सा मिनिस्ट्री मिलेगा आपको? सूर्यभूषण नाम के एक यूजर ने लिखा है, ओ माय गुडनेस, बाबा और मामा एक साथ, कहीं मैं सपना तो नहीं देख रहा हूँ। वाह मोदी जी वाह, मान गए गुरु आपको। लक्ष्मण कुमार नाम के यूजर ने लिखा है, मतलब पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने की प्रक्रिया चालू है। अजीत सिंह नाम के यूजर ने तो लिख दिया है, मोदी के खिलाफ बीजेपी में गठबंधन तैयार कर रहे हो। अब इधर शिवराज ने योगी से मुलाकात की। बस उधर शिवराज को केंद्रीय मंत्री बनाने की चर्चा भी तेजी से उठने लगी। केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले के बयान के बाद से कहा जा रहा है कि शिवराज लोकसभा का चुनाव लड़ेंगे और केंद्रीय मंत्री भी बनाए जा सकते हैं। आपको ये भी बता दें, भोपाल पहुंचे रामदास अठावले ने पत्रकारों से बात करते हुए बड़ा दावा कर दिया था। उन्होंने शिवराज सिंह चौहान पर बयान देते हुए कहा था, जो निर्णय हुआ वो अच्छा है, शिवराज सिंह चौहान दिल्ली आएंगे, हमारे साथ आएंगे, मंत्रिमंडल में आएंगे। अगर वो लोकसभा लड़ेंगे, दिल्ली आएंगे, तो वहां कैबिनेट मंत्री उनको बनाएंगे, उनका आदर तो मोदी जी करेंगे। यानी उन्होंने यही दावा किया था कि शिवराज को बड़ी जिम्मेदारी मिल सकती है। फिलहाल जिस तरह से योगी आदित्यनाथ और शिवराज की मुलाकात हुई है, उस पर आप क्या कहेंगे कमेंट करके जरूर बताइएगा। अंत में आपको रामदास अठावले का पूरा बयान भी सुनाते हैं कि उन्होंने शिवराज को लेकर और क्या क्या दावे किए हैं, सुनिए। लोकसभा का बहुत बड़ा होगा।